अस्सलाम वालेकुम, मैं दरगाह दीवान शाह दूध बॉडी अशान होटल के सामने से अदनान शेख आज एक मुद्दे पे बात करना चाहूँगा जो कि गटर का मुद्दा है। आप पहले गटर देखिए फिर उसके बाद बात करते हैं। ये जो गटर दिख रही है आपको, ये गटर जब मैं 5 साल का था तब से लेकर आज तक की गटर ऐसी, आज मैं 20 साल का हो गया हूँ, वोट देने की उम्र का हो गया हूँ और आज तक के ये गटर ऐसी ही है। बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में गटर है और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यहाँ के कॉरपोरेशन यहाँ के लिए क्या किए और यहाँ के जो कॉरपोरेशन है वो यहाँ के लिए कुछ किए नहीं है और किए तो क्या किए। और यहाँ की गटर जो देख रहे हो आप ये कितने सालों से ऐसी है और ये दूध बॉडी अशान होटल के पास की ये वीडियो है। और मैं अब बोलना चाहूँगा हमारे भिवंडी के युवाओं को, जो न्यू जनरेशन है उनको, कि उनको वोट दे जो काम करके ले, उनको वोट ना दे के जो काम करके ना ले। और ये क्या बोलते, और मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि उनको चुन के लाए जो पढ़े लिखे जो जाहिल है उनको चुन के ना लाए, नहीं तो ऐसा ही काम होएगा भाई। देख लो जो ये खस्ता हालत में आज गटर है, रोड है, जो हमारे भिवंडी के लोग परेशान है रोड गटर से, वो जो जाहिलों को चुन के लाएंगे ना आप लोग तो यही हाल रहेगा। जो कि दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार की जस्ट पीछे साइड ये कदीम मस्जिद है और ये जो जगह देख रहे हो आप सब लोग, ये जगह ये पूरा कब्रिस्तान है और यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी गंदी नज़रें इधर हैं, जो कि यहाँ पे कब्रिस्तान बनने नहीं दे रहे। और यहाँ पे लोगों का, पुराने लोगों का दावा है कि यहाँ पे कुछ लोगों की तफसीन हुई है और ये कब्रिस्तान था पहले और कब्रिस्तान बनने जा रहा था तो कुछ लोगों ने बनने नहीं दिए। ये देखिए ये दीवार जो है वो पूरी कब्रिस्तान की, मतलब कब्रिस्तान के लिए खड़ी की गई थी ये दीवार, और कुछ लोगों ने इस जगह को कब्रिस्तान बनने नहीं दिए। और मैं यहाँ के कुछ पॉलिटिशियन लोग से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 इस जगह को कब्रिस्तान बना के दीजिए हमें, और क्योंकि ये कब्रिस्तान था ही पहले से, हमको कब्रिस्तान बना के दीजिए। यहाँ पे जो दीवार खड़ी होने वाली थी, जिसकी वजह से देखिए देख सकते हो आप, ये दीवार खड़ी होने वाली थी ये दीवार रोक दी गई है क्योंकि यहाँ पर लोगों की गंदी नज़रें हैं और यहाँ पर कब्रिस्तान बनने वाला था बट यहाँ पर बन नहीं पाया। तो मैं अपील करना चाहूँगा सब लोगों से कि आप लोग मिलके सपोर्ट कीजिए ताकि ये कब्रिस्तान बन जाए और यहाँ पे दीवार हमें बाउंड्री मार के दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो कब्रिस्तान का काम होने वाला था वो करके दीजिए क्योंकि हमें यहाँ की कब्रिस्तान की ज़रूरत है। और यहाँ पे कुछ लोग तफसीन भी करे गए और हमें पूरे पेपर वर्क के साथ ये कब्रिस्तान हमें वापस चाहिए हमारा। और यहाँ पर हमको ये सुविधा चाहिए कि जो पॉलिटिशियन लोग हैं, मुसलमान पॉलिटिशियन लोग हैं, वही लोग यहाँ पे कब्ज़ा करके बैठे, वही लोग यहाँ की गंदी नज़रें मार के बैठे। तो उन सभी लोग से अपील है कि यहाँ के भिवंडी रहवासियों से अपील है कि यहाँ पे हमें कंप्लीट कब्रिस्तान बना के दीजिए और हमें बाउंड्री खड़े करके दीजिए, हमें दीवार खड़ा करके दीजिए। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो दीवान शाह के जस्ट पीछे है, जस्ट दीवान शाह से लग के है, वो भी बताना चाहूँगा आपको। और ये पूरा जो कब्रिस्तान है ये दीवान शाह से जस्ट लग के मस्जिद के जस्ट बाजू में, आप ये देखो ये मस्जिद है उसके जस्ट बाजू में ना ये कब्रिस्तान है। ये देखो ये मज़ार भी है बाकायदा, ये पूरी मज़ार है और ये पूरा ना कब्रिस्तान है, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। जस्ट ये एरिया देखेंगे, यहाँ से सीधा जाएंगे जस्ट ये हाथ पे ना, सीधे हाथ पे एक मज़ार और है। इसका ये दावा है कि ये पूरा कब्रिस्तान है, ये पूरी कब्रिस्तान की ज़मीन है और ये दीवान शाह रहमतुल्लाह सरकार की ज़मीन है। और ये दीवान शाह रहमतुल्लाह सरकार की ज़मीन में कुछ लोग हड़प के बैठे हैं। ये देखिए ये जो देख रहे हैं आप जिसपे पीला पीला लगा है, ये मुसाफिर खाना था, इसको कुछ लोगों ने हड़प के अपना घर बना लिया। तो यहाँ के रहवासी लोग, मतलब जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो हड़प के वहाँ पर रहते हैं। देखिए ये जो देख रहे हैं आप ये मुसाफिर खाना है और ये भी एक घर है, ये भी मतलब पूरा मुसाफिर खाना था जिसको लोगों ने हड़प लिए। तो मैं अपील करना चाहूँगा
कि इस जगह को कब्रिस्तान बनाएं और जो दीवान शाह रहमतुल्लाह सरकारी ज़मीन थी उनको वो वापस की जाए और जो कब्रिस्तान की ज़मीन है वो कब्रिस्तान को वापस की जाए। और मेरी आप सभी से अपील है कि ये मेरी जो ये वीडियो बनाया हुआ है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलना। और मैं ये अपील करना चाहूँगा कि यहाँ जो कब्रिस्तान बनने से रोका गया है ये कब्रिस्तान जल्द से जल्द कंप्लीट करके दे हमें ताकि हम यहाँ तफसीन कर सकें। और यहाँ पे मज़ारात है और यहाँ की जो ज़मीन है जो लोग हड़प के बैठे वो भी हमें खाली करके दे ताकि ये लोग मुसाफिर खाना जो बोला गया है दीवान शाह रहमतुल्लाह सरकार की जो दीवान शाह रहमतुल्लाह सरकार जो बोल के गए ये मुसाफिर खाना जो मुसाफिर लोग यहाँ आके रह सकते हैं तो ये मुसाफिर खाना खाली करा के लें क्योंकि ये मुसाफिरों का गरीबों का हक मार के बैठे कुछ लोग और ये कब्रिस्तान की ज़मीन भी हड़प के बैठना चाह रहे कुछ लोग यहाँ पे बिल्डिंगें बनाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का मकसद है कि यहाँ पे बिल्डिंग बन जाए पर ये कोशिश है कि कुछ लोगों की कि यहाँ पे कब्रिस्तान ना बने यहाँ पे जो वही एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें।